मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में भी हम मानसून किस तरह आगे बढ़ेगा, किन राज्यों में बारिश बढ़ने वाली है और जो समुद्री तूफान है वो बिपरजॉय, उसका क्या होने वाला है, उसका रूट क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए, ये जो सैटेलाइट पिक्चर है ये मौसम विभाग का है, रैपिड पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि ये साइक्लोन जो है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अरेबियन सी में पहुंच चुका है और इस समय, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो समुद्री सतह के तापमान है वो 31 डिग्री के आसपास है। जब समुद्री सतह के तापमान ज्यादा होते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है, जब मैं लगातार 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, तो बार बार इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने से वीडियो लंबा खींचेगा, कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि ये फेवरेबल एनवायरनमेंट में चल रहा है और जब ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा तो ज्यादातर मॉडल इसको अलग अलग रूट दिखा रहे थे, इसीलिए रूट नहीं बना पाए थे ढंग से, क्योंकि इसमें क्या है कि दो तरह की हवाएं हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो इसको इंपैक्ट कर रही हैं। लोअर लेवल पे क्या है कि जो हवाएं हैं वो इस तरह से चल रही हैं, एक तरह से आपके लिए इस तरह से घूम रही हैं, यानी इनको ये पश्चिम दिशा पे ले जा रही है। ये है कम से कम 10,000 फीट तक, और जो एंटीसाइक्लोन के कारण जो वैसे हवा चल रही है जो ऊपर के लेवल पे है वो ईस्टर्ली विंड है। इस तरह से यानी कि दोनों तरफ की जो हवाएं हैं उनके बीच में जोर अजमाई से एक तरह से हो रही थी। तो कभी ये डिफ्लेक्ट हो रहा था, मॉडल इसको इस तरह से ले जा रहे थे, ओमान की तरफ ले जा रहे थे, कुछ मॉडल सीधे ले जा रहे थे, मतलब कि अलग अलग इसका रूट दिखाया जा रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो मॉडल्स हैं, ज्यादातर जितने भी मॉडल हैं वो एक तरह से कंसेंसस पर आ गए हैं, यानी कि एक ही रूट ऑलमोस्ट दिखा रहे हैं। इनिशियली ये अगले 24 घंटों के दौरान ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर करके ये कराची के आसपास पहुंचने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के इसका जो रूट है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि पहले तो ये जो डायरेक्शन है इसका इस तरह से रहेगा और उसके बाद रिकर्व होकर यहाँ पहुंच जाएगा, और तो ये आ गया कराची के पास। तो ये इसका रूट जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहा होगा तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, और जब कम होने लग जाएंगे तो ये एक दूसरा मैप है, इसमें आप देखिए ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है ये कल का थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहां पर ये 31 डिग्री के आसपास है, यहां तक ये 30 डिग्री है, यहां पर 29 आ गया और ये ऊपर आ जाएगा तो 28-29 के आसपास चला जाएगा। यानी अगर ये जो रूट इसका दिखा रहा है इस तरह से दिखा रहा है, ये CIMSS का मॉडल है, यानी काफी ये अच्छे अच्छे मॉडल हैं जो बिल्कुल सही रूट बताते हैं, और उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि फोरकास्ट यही रहेगा। तो ये जो काले रंग में है ये गुजरात का मैप है, ये देखिए गुजरात है, ये जहाँ जामनगर है, यहाँ पर द्वारिका है या नलिया है, और यहाँ पर पोरबंदर, बैरावल वगैरह ये सब है, यहाँ पर मुंबई वगैरह, ये पूरा मतलब आपका इंडिया का पश्चिमी तट आ गया, ये अरब सागर आ गया, ये अफ्रीका का हिस्सा आ गया, यहाँ पर जो है ओमान वगैरह है, यहाँ यमन है, तो मस्कट है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। तो पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो रूट है इसका इस तरह से जाएगा, लेकिन अब आप देखिए कि पहले ये उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, फिर इस तरह से रिकर्व करके ये कराची के आसपास पहुंचेगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ रहा होगा तो आज से ही, आज रात से जो बारिश की गतिविधियां तो हल्की फुल्की शुरू हो जाएंगी पूरे महाराष्ट्र के तट पर, और जो गुजरात का तट है वहां पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई देने लग जाएगी इस इलाके में हल्की हल्की, और जो हवाएं हैं वो इस तरह से काफी तेजी से घूमेंगी। तो ये जो हवाएं हैं यहां से यानी तट पर आएंगी, तो जो महाराष्ट्र का समुद्र है, महाराष्ट्र के तट पर जो समुद्र है वहां पर हवाएं तेज हो जाएंगी, 70-80 किलोमीटर हो जाएंगी, यानी कि काफी अंदर जाकर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो जूह चौपाटी पे घूम रहा है तो उसको भी इतनी तेज हवा लगेगी, वहां 25-30 किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर तक की हवा होगी, लेकिन जैसे ही आप समुद्र में अंदर जाएंगे तो हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी। तो इसीलिए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वो अगर डीप सी में है तो वापस आ जाए, और अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो 15 तारीख तक बाहर अंदर ना जाए। तो ये तो यहाँ का है, और इसी तरह से जो आगे चलेंगे जब हम गुजरात के तट पर, तो गुजरात के तट पर जो हवाएं हैं वो कल से शुरू हो जाएंगी काफी ज्यादा, और वो भी इस तरह से जब घूमेंगे, और ये जैसे जैसे आगे आएगा तो इस तरह से हवा घूमेंगी। तो गुजरात के जो तट है यहाँ पर, यानी कि नलिया से लेकर के और जो द्वारिका है, ओखा है, पोरबंदर है, वेरावल है, इन सारे इलाकों में जो हवाएं हैं वो काफी ज्यादा तेज हो जाएंगी, और उसकी स्पीड जो होगी
वो हो सकता है कि 80 से 90 या 90 से 100 किलोमीटर और गश्त में 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर प्रति घंटा की देखने को मिले। ये 12 से लेकर के 15 तारीख के बीच में ये बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलेंगी, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हालांकि लैंडफॉल जो गुजरात में नहीं होने वाला है, लेकिन लैंडफॉल न होने के बावजूद भी अगर गुजरात की विसिनिटी से यानी कि उसके थोड़ा पश्चिम से अगर ये तूफान निकलता है तो काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट गुजरात के ऊपर दिखाई देगा। खास करके सौराष्ट्र और कच्छ के जो इलाके हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं और उसमें जो हवाएं हैं तेज़ चलेंगी और बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन कोस्टल एरियाज़ में तेज़ बारिश भी हो सकती है और जो समुद्र में ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। तो ये सारा प्रिकॉशन आपको 12 से लेकर के 15 तारीख के बीच में लेने की ज़रूरत है। और जो महाराष्ट्र का तट है, यहाँ 10 की रात से लेकर के 12 या 13 की सुबह तक आपको, यानी 13 तारीख की सुबह तक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ये सारा इसका रूट है, इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये इस तरह से है और इसमें अगर देखेंगे तो ये अब आप देखिए जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है जो JTWC है, उसका भी रूट लगभग यही दिखा रहा है, यानी कि अब सारे जो मॉडल हैं और वो सारे इसी रूट पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये है कि पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है और उसके आसपास के जो इलाके हैं उनमें खतरा बढ़ गया है। हालांकि जब लैंडफॉल होगा तब तक ये कमज़ोर पड़ने लग जाएगा क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से जो शुष्क हवाएं हैं वो इसमें घुसने लग जाएंगी। यहाँ से अगर देखें तो ये शुष्क हवाएं जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ से जो इस तरह से जो सूखी हवाएं घुसने लग जाएंगी जिससे ये कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पर ये पहुँचेगा तो सही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब ये लैंडफॉल करेगा कराची के आसपास कहीं पर भी कर सकता है, तो उस समय इसकी जो रफ्तार होगी हवाओं की वो 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा और हो सकता है कि कहीं कहीं पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है। इससे थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा अपर ये लेकर के चलिए जिससे कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो जान माल की हानि की संभावना ज़्यादा है तो वहाँ पर पहले से ही तैयारी आप कर लीजिए क्योंकि ये सारा वेदर सिस्टम इस तरफ आने वाला है। तो ये तो बात हुई हमारी साइक्लोन की। अब हम देखते हैं कि एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए साइक्लोन है ये कई बने हुए हैं। एक तो ये जो है विपर जो है यहाँ पर है, ये भारत का नक्शा है, ये अरब सागर में है। एक जो लो प्रेशर एरिया में कई दिनों से बता रहा था कि लो वेलमार्क लो बना, वो अब जाकर के डिप्रेशन बन गया है जिसको JTWC ने एक ट्रॉपिकल साइक्लोन 3V का नाम दिया है। ये म्यांमार के तट पर है, इसके प्रभाव से मानसून ऊपर की तरफ आएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अब मानसून की दस्तक इसी जो वेदर सिस्टम के कारण हो जाएगी और काफी ज्यादा भारी बारिश की संभावना इस इलाके में है। और आप देखिए एक और साइक्लोन है जो यहां पर बना हुआ है, काफी दूर है, ये इस जगह पर है, इसको इसका नाम है गुचोल। ये इस तरह से रिकव करेगा, यानी आगे नहीं आएगा, इस तरह से रिकव करेगा, जापान के नीचे से आगे चला जाएगा। तो ये सारे वेदर सिस्टम इस समय बने हुए हैं और अब देखते हैं हम कि वेदर सिस्टम क्या है। तो जो यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ था वो अब ये यहाँ पर जो था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो ऑलमोस्ट कमजोर पड़ गया है और आगे बढ़ जाएगा। और एक ट्रफ रेखा ये आप जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो ये जो ट्रफ रेखा है इसके कारण क्या होगा। और देखिए ये जो हवा है इस साइक्लोन के चारों तरफ घूम रही है और यहाँ से इस तरह से ये नमी लेकर के भी राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश यहाँ पर नमी लेकर आ रही है और यहाँ पर एक ट्रफ रेखा है। तो इसीलिए पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के कई भागों में जो गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, हल्की बौछारें पड़ेंगी। और जैसे कल भी आपने दोपहर में देखा था कि ये जो दक्षिणी हरियाणा और उसके आसपास के इलाकों में बादल बन गए थे, तो ये अगले दो तीन दिनों तक इस तरह का वेदर रहेगा। धूल भरी आंधी भी कई इलाकों में चल सकती है। तो ये तो रहेगा श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर के झुंझुनू सीकर अलवर भरतपुर दौसा ये सारे इलाकों में, और उसी तरह से दक्षिणी जो हरियाणा है पंजाब के कुछ इलाके हैं दिल्ली NCR यहाँ पर इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। और गर्मी अभी फिलहाल बनी रहेगी क्योंकि ये जो वेदर एक्टिविटी होती है देर दोपहर शाम को होती है, तब तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर आज रात से या कल से ही बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और फिर क्योंकि मॉइस्चर इंकर्जन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजरात के जो अहमदाबाद वडोदरा और उसके आसपास के इलाके हैं यहाँ पर भी बादल गरज सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना बन रही है। और 12-13 तारीख से जो राजस्थान के दक्षिणी भाग हैं कोटा बूंदी बारा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर यहाँ पर भी बादल की गरज चमक हो सकती है। इसमें क्या है कि देखिए हवाएं यहाँ से भी आएंगी, एक तरह से अगर देखा जाए तो हवाएं जो है वो इस तरह से यहाँ पर यहाँ से आएंगी और यहाँ से आएंगी, ये जो नमी वाली हैं और ये शुष्क हवाएं हैं। तो ये दोनों हवाओं का जब संगम होता है तो इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, गरजने वाले बादल बनते हैं और उससे
गरज चमक के साथ बौछारें होती हैं या धूल भरी आंधी के चलने की संभावना बन जाती है। तो ये सारा वेदर सिस्टम इस तरह का होने वाला है, लेकिन गर्मी अभी बरकरार रहने वाली है। उसी तरह से अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो पूर्वी भारत में अभी फिलहाल वेदर एक्टिविटी नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 12-13 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी प्री मानसून गतिविधियां होंगी। मानसून यहाँ पर देरी करेगा, ऑलरेडी देरी हो चुकी है आपको पता है, और ये जो वेदर सिस्टम है, डिप्रेशन है, ये ट्रफ बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से अब मानसून जो है वो इस पूरे इलाके में दस्तक दे देगा बहुत जल्दी। ये पूरा इलाका, ये जो है सिक्किम से लेकर के उप हिमालय पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके में मानसून आ जाएगा, मूसलाधार बारिश होगी। और जैसे असम में हर साल बाढ़ आती है, तो इस बार भी जो अगले एक हफ्ता तक लगातार जो तेज बारिश होने वाली है उसके कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। और बिहार के जो उत्तर में जो नेपाल का हिस्सा है, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, तो बिहार के कुछ इलाके भी जलमग्न हो सकते हैं जो तराई वाले हैं। लेकिन अभी इसमें समय है, अभी फिलहाल बिहार के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, किशनगंज, सुपौल, अररिया के और जो उसके आसपास के इलाके हैं, उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, खास करके प्री मानसून रहेगा, मानसून यहाँ पर थोड़ा सा डिले कर सकता है। तो ये सारे इलाके हो गए। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में क्या है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, ऑलरेडी मानसून काफी ज्यादा तेजी से वहां पर आ रहा है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ केरल में भारी बारिश होगी, कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश होगी। अब ये पूरा जो पश्चिमी तट है यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा बारिश देखेगा, और अब विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, थाने, दहानू, यहां पर भी वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी जो अगले कई दिनों तक चलेगी। और ये जो वेदर सिस्टम है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से जो हवाएं आ रही हैं इसके कारण मानसून जो है वो बहुत जल्दी पश्चिमी तट पर मुंबई तक खिंच जाएगा। हालांकि देर हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिनों की देरी से मुंबई तक मानसून पहुंच जाएगा, लेकिन झमाझम बारिश फिलहाल नहीं होगी। अंदरूनी भागों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन इलाकों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां यहां पर जारी रहेंगी। इसके आगे जो भी अपडेट है मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा इस क्लाइमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।